अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। पिज़्ज़ा बस चीज़ ही वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा, जिसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर डालूँगी। 1.5 टीस्पून ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। और हम इसमें नमक भी डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। दो चम्मच के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर, जिससे ये बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा, नरम। इसको इतनी देर मसलना है कि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली है, शक्कर डाली है, वो उसके दाने जो हैं घुल जाएं। इसे और अच्छा हो जाएगा डो। देखिए, मैंने ये आटा लगा के रख लिया है, बहुत ही नरम। इस तरह का हमें आटा गूंदना है इसका। और मैं इस प्लेट पे बनाऊंगी पिज़्ज़ा। ये 10.5 इंच की है और मैंने इसके अंदर की भी एक रोटी बनानी है। पहले हम उस रोटी को तैयार कर लेंगे, फिर बाद में हम दूसरी तैयारी करेंगे इसकी। पहले मैं एक छोटा पेड़ा ले लेती हूँ इतना, और बाकी रख देती हूँ। मैंने हाथ पर सूखा आटा लगा लिया। थोड़ी बड़ी सी रोटी बना लूँगी मैं इसकी, थोड़ी पतली सी रोटी बना लूँगी बेल के। थोड़ा सूखा भी आटा लगाते रहेंगे साथ साथ, जिससे अच्छी तरह रोटी बेलने में आसानी होगी। देख लेते हैं पहले हमारी रोटी कहाँ तक आ रही है। बस अब मैं तवे पर डाल देती हूँ इसे। मैंने एक तवा रख लिया है चूल्हे पे।
अब इसको पलट लेते हैं, इसको हल्के हल्के सेकनी है। देखिए इसको लग रहा है ना जैसे हम बाजार से पिज्जा का बेस लेके आते हैं, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है ना। थोड़ा सा फट गया, कोई बात नहीं, बस थोड़ा ही कच्चा नहीं रहना चाहिए। हल्के रंग को दबा दबा के सेक लेंगे इसको। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये तैयार हो गए सिक्के। अब हम दूसरा पेड़ा ले लेते हैं। मैंने ये पेड़ा बना लिया है, अब इसको भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। इसी तरह मैं बड़ी सी रोटी बना लूँगी इसके बेलने के बाद। मैं देख लेती हूँ उसके बराबर हो रोटी है या नहीं है। देखिए थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। अब रोटी तैयार हो गई है। इस तरह से मैं इस पर कांटे से फोक से ये कर निशान लगा देती हूँ, इससे ये फूलेगा नहीं। मैंने ये प्लेट पे रख दिया है और हम इस पर चीज़ लगा देंगे। देखिए मैंने ये अमूल की चीज़ ली है ब्रेड, अब इसको मैं इस पर लगा दूँगी। पहले इस पर हम इसको लगा देंगे। मैंने ओवन भी प्री हीट करने रख दिया है 180 पे। मैंने चीज़ लगा दी है इसके अंदर और फिर हम ये रोटी जो हमने बनाई थी इस पर भी हम फोक से थोड़ा निशान लगा लेंगे। अब इसको मैं इस पर रख देती हूँ बीच में इस तरह से। अब हम इस पर इसकी टॉपिंग लगाएंगे, जिसके लिए मैंने ये प्याज ले ली है, ये स्लाइस में कर ली है। ये शिमला मिर्च है, ये भी इस तरह से मैंने स्लाइस कर ली है। और ये कॉर्न है, ये हम तीनों चीज़ें इस पर लगाएंगे। ये एवेस की है पिज्ज़ा पास्ता की चीज़, वो सॉस चीज़ बोल रही हूँ मैं, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से लगाएंगे खूब सारी, जो बहुत ही अच्छा जायका है। और मैं इसके अंदर थोड़ी ये लाल मिर्च की चटनी है पिसी हुई, इसको भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही स्पाइसी पिज़्ज़ा बनेगा। ये भी इसमें अंदर डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसके अंदर। इसको इस तरह से फैला देती हूँ मैं।
अब इस पर हम टॉपिंग लगा देते हैं। थोड़ी सी चीज़ यहाँ भी लगा देते हैं, सॉस यहाँ भी लगा देते हैं। चीज़ लगाई तो चीज़ का ही नाम मेरे मुँह से निकल रहा है। मोज़रेला चीज़ है, इस पर डाल देते हैं अच्छे से खूब सारी चीज़। ये प्याज रख देते हैं स्लाइस प्याज के। अगर आपके पास ओलिव हैं तो ओलिव भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर। मेरे पास ओलिव नहीं है इस टाइम। ये कॉर्न डाल देते हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे। इसको इस तरह से उठा उठा के इसे तैयार है। अब मैं इस पर और थोड़ी सी चीज़ की बर्फार वो कर देती हूँ, बारिश। इस पर हम पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल देते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं इसके ऊपर, बहुत ही थोड़ा सा डाला है मैंने। अब हम इसको बेक करने रख देते हैं। इसको 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तैयार है पिज़्ज़ा, तैयार है बिल्कुल, 20 मिनट में तैयार हो गया ये। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी बनाएं। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत सारे लाइक्स कर भेजें मेरे चैनल को। कमेंट्स में बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। से कट्स कर लेते हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना है। देखिए बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है, चीज़ी। मैंने इसमें सॉस डाली, अच्छे से डाली थी।
गरम बहुत हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो नई वीडियो आपके पास पहुंचेगी। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो रेसिपी लेके आऊँगी मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये बहुत ही अच्छा बना है, देखिए। थैंक यू अम्मी जान, बहुत अच्छा बनाया आपने।